सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मनजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। बारंबार एक ही प्रयास, पशुपालकों को अच्छे से अच्छा पशुधन जो है अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाएं, ताकि जितने भी किसान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक एक अच्छा पशुधन पहुंचे। और आज सोशल मीडिया का जमाना है और रूटीन से जो है जो अदर स्टेट जो पशुपालक हैं बार बार जो वीडियोज को देख के हरियाणा प्रदेश में भैंसे लेने आ रहे हैं, और हरियाणा जिसको मुर्रा की खान माना गया है इसमें ऐसे ऐसे नगीने बार बार निकलते रहते हैं। आज एक दूध की लाइन की जो बफलो आप भाइयों के सामने है और इसके बारे में डिटेल से जानकारी दें या मिलवाएं, उससे पहले जितने भी भाई वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो भाई फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें, ताकि वहाँ भी वीडियोज हैं वो मिलती रहें। तो युवा साथी हैं सामने, पहली वीडियो अपने चैनल पे आ रही है, पहले इनके यहाँ से मोस्टली वीडियो साहिल डेयरी फार्म जो चैनल है साहिल भाई का उस पे आती रहती हैं, काफ़ी जो है रेगुलरिटी से वहाँ वीडियो आती है इनके पशुधन की। तो आज मिलवाते हैं और बाद में पशुधन के बारे में पूछेंगे, सबसे पहले आप भाइयों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, अपना शुभ नाम बताएं पहले। संदीप भाई। और गाँव कौन सा है अपना? शातौर भाई। शातौर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है भाई जी? चरखी दादरी भाई। चरखी दादरी। तो कितनी भैंसे रखते हो रूटीन से बिक्री वाली? बिक्री वाली भाई अपने पास चार भैंसे ऑल टाइम अवेलेबल रहते। चार भैंसे। तो आज जो पशुधन दिखा रहे हो क्या कुछ डिटेल है इसके बारे में बताओगे एक बार? आज मौके पे 18-19 किलो दूध काटे वाला है जी। हाँ। कौन सा ब्यांत है इसका? ब्यांत तीसरा है भाई मंजीत। और कितना टाइम बच्चा दिए हो चुका है? बच्चा दिए हो गया भाई मंजीत शायद 13-14 दिन। 13-14 दिन। साथ में बच्चा क्या है इसके? कटड़ा है भाई। कटड़ा किसी सीमन का है वैसे नेचुरल? एचएलडीबी के सीमन का। तो कब अपने फार्म पे लेके आए इसको? भाई अपने फार्म पे कल आई है। कल ही आई है। हाँ। तो अभी 18 किलो दूध आप कांटे वाला मान रहे हो, प्लस ही हो सकता है भाई? प्लस हो सकता है जी। तीसरा ब्यांत है। हाँ। पिछले ब्यांत की कुछ डिटेल पता है क्या कुछ? हाँ। दूध कितना निकला है दूसरे ब्यांत में? 21 किलो दूध कांटे के तोल का दे रखा। 21.5 किलो। तो एक बार इसको थोड़ी चलाना उधर, देखिए तीसरी बार इसने काविंग कर रखी है, साथ में मेल काफ है और पशुधन है मीडियम कद काठी का है, लेकिन नीचे से अगर बात करें तो मीडियम नहीं है, क्योंकि इतना शानदार जो अडर क्वालिटी वाला जो पशुधन है वो कम ही सामने आता है। ले आओ जी, वापस ले आओ। ये देखिए कद काठी है मीडियम, फिर से बता रहे हैं, लेकिन लेवे की जो बनावट है कहीं ना कहीं HF या जर्सी गाय है उनको भी जो पशुधन है फेल कर रहा है। ये देखिए जी, दो दूध के कूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग एक एक थन जो है फुर्सत से लगाया हुआ है। और आज कोई सोशल मीडिया पे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं बताने की कि पशु वहां पे है। आज कंपटीशन सोशल वर्करों में भी काफी ज्यादा है और पशुपालक हैं वो भी पशु लेने आ रहे हैं। सींग की क्वालिटी आप देख रहे हैं शरीर पे तीसरे ब्यांत के हिसाब से जमता हुआ, और नीचे से दिखाएं तो आर पार का जो लेवा होता है वो आप देख रहे हैं पीछे तक इतना। साथ में जो दूध वाली भैंसे हैं, जहां तक अपना खुद का मेरा मानना है, उनमें लेंथ है वो ज्यादा ही मिलती है, जो ज्यादा लंबाई की भैंस है वो ज्यादा दूध निकालती है। और आजकल तो जो कंपटीशन हो रहे हैं वो भी आप मानिए कि ब्यूटी कंपटीशन है या वैसे, उनमें तो भले ही उनमें भी मीडियम कद काठी की जो भैंसे हैं वो कहीं ना कहीं पोजिशन लगाने लगी। और जो पशुधन है दूध वाला पशु दिखा रहे हैं, दूध की जो एक कंपटीशन होता है सबसे अच्छा मैं मानता हूं, और उसमें कहीं ना कहीं ये पशुधन है। नीचे से दूध का जो इसका सिस्टम है या इसके टेल जरूर हम बताना चाहेंगे किसान साथियों को, लगभग नीचे से 6-7 इंच वाइट है, लेकिन 9-10 इंच तक डॉक्टर भी पास कर देते हैं। लेकिन साथ में जो बच्चा है वो भी आपको दिखाएंगे कि उसकी टेल कितनी वाइट है, क्योंकि ब्रीडिंग पर्पज से जब आते हैं तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। जब अच्छे सीमन हम लगाते हैं 2 इंच से के समथिंग इसकी टेल वाइट बता रहे हैं, और जो है HLDB के सीमन का कटड़ा साथ में है। तो भाई साहब बिक्री के लिए कैसे दिखा रहे? भाई बिक्री के लिए भाई। तो रेट वगैरह क्या कुछ करना चाहोगे? रेट भाई मौके का रहेगा, मौके का, दूध के हिसाब से, दूध अप डाउन होता है उसी हिसाब से। दूध भाई कम देगी तो
23 किलो दूध देगी कम से कम 23 किलो दूध। 23 देखते हुए तो चाहे 27 बोल दो 28 बोल दो 25 बोल दो कोई मुंह नहीं दिखता भाई जी। वैसे दूध का कंपटीशन संदीप भाई आजकल है ना कुछ चुनिंदा लोगों में रह गया है, युवा जो अभी प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर 20 किलो दूध से प्लस भैंस निकाल रही है ना आम रूटीन का कहीं ना कहीं 25-26 किलो वाली भैंस से रूटीन में निकालेगी भाई जी आगे मानता हूँ। और सिस्टम भी भैंस का लग रहा है दूध वाला है और जो है अच्छे पशु का सिलेक्शन आपने किया है। एक बार अपना संपर्क सूत्र बताएं आप। 8685 0022 0015। तो और कुछ क्या कहना चाहेंगे पशुपालकों को, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी वीडियो के जरिए? मैसेज यही देना चाहेंगे कोई भी भाई कहीं से भी पशु ले अपने दो टाइम देख के ले और ग्याबण पशु बिल्कुल भी ना ले। ग्याबण पशु बिल्कुल भी ना ले क्योंकि ग्याबण इसलिए ले लेते हैं पच्चीस निकालते हैं किसी की बिल्कुल राइट इसी चीज के कारण बिकते हैं ग्याबण भैंस। एक खास बात रही है आज तक कभी भी कोई भाई आया तो एक बूंद भी दूध की कम नहीं मिली। अच्छा जितना बताया उतना मिला बिल्कुल दूध में झूठ होने भी नहीं चाहिए भाई दूध। जी जी तो देखिए भाई का कहना है अगर दूध हमारा पशुधन जो रेकमेंड किया है उससे कम देता है तो भैंस ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे क्योंकि कोई भी दूर से आता है विश्वास पे। हरियाणा में काफी सारे पशुपालक आ रहे हैं लेकिन इतना जो श्योरिटी इनकी बातों में अगर इसी तरह भैंस बाल्टी को भी फुल मारने लगी तो फिर तो आगे फिर दौड़ में कोई नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा चुवाई की भी कुछ क्लिप इसमें ऐड करेंगे। तो जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं जी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। जो भाई खरीदना चाहता है इनका संपर्क सूत्र रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है इनसे संपर्क कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो और भी किसान साथियों तक शेयरिंग करके पहुंचाएं ताकि वो भी पशुधन लेने के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश में बार बार विजिट करते रहें और अच्छे पशु सिलेक्ट करके लेके जाएं। सभी भाई जुड़े सभी का धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार सत श्री अकाल राम राम सलाम।